मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। लगातार 2024 के चुनाव को लेकर विपक्षी दल अपने आप को एकजुट कर रहा है और एक महागठबंधन बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है, जिसको लेकर 23 जून को उन्होंने बड़ी बैठक की, जिसके बाद एक प्रेस वार्ता की जिसमें सभी पार्टियों के लोग नजर आए और अपनी अपनी दलील उन्होंने दी कि आखिर किस तरीके से वो गठबंधन में अपना योगदान दे सकते हैं, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन इस बीच देखा गया कि इस मीटिंग में बड़ा बवाल हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आपस में भिड़ते हुए नजर आए। ये बहस इतनी तीखी हो गई थी कि इसमें बीच बचाव करने के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार को आना पड़ा, जिसके बाद ये बहस थोड़ी धीमी हुई। लेकिन ये बहस जो हुई वो उन दोनों पार्टियों के अलग अलग नेटिव को लेकर हुई, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है जब से इसका ऐलान हुआ है कि गठबंधन होगा सभी विपक्षी पार्टियाँ एक होंगी, लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपना आपसी स्वार्थ लेकर जो है विपक्ष एकजुट हो रहा है, क्योंकि यहाँ रणनीति 2024 की यहाँ पे देखा जा रहा है कि विपक्ष नेता भूल चुके हैं। और इसी को लेते हुए लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भिड़ंत देखी गई थी और अब अमर अब्दुल्ला और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के बीच भिड़ंत देखी गई। और यहाँ पे एक मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने उठाया कि अध्यादेश को लेकर कई पार्टियों का स्टैंड क्लियर नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ जब 370 धारा जो है जम्मू कश्मीर से हटी थी उस समय को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप अमर अब्दुल्ला ने लगाया कि उनका भी स्टैंड 370 को लेकर क्लियर नहीं था और वो भाजपा का विरोध नहीं कर रहे थे, तो आखिर हम कैसे अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार का विरोध करें। और लगातार जो ये मुद्दा है अध्यादेश का जो है विपक्ष के महागठबंधन के आड़े आ रहा है। कभी इस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से भिड़ जाते हैं तो कभी अमर अब्दुल्ला से भिड़ जाते हैं, और इस मीटिंग में बड़ा बवाल उन्होंने काटा और दोनों के बीच यहाँ पे तीखी बहस होती हुई दिखाई दी। और 2024 से पहले जहाँ विपक्ष अपने आप को एकजुट करना चाहता है और अब एक बड़ी ताकत बनना चाहता है, लेकिन उन्हीं के विपक्षियों के नेता जो हैं आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सब अपना अपना स्वार्थ जो है यहाँ पर देख रहे हैं, जिस वजह से यह विपक्ष का जो गठबंधन है कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार देखा जा रहा है कि इस बड़ी बैठक से पहले दो पार्टियों ने गठबंधन से अपना नाम वापस भी लिया और उस मीटिंग में नहीं आए, जिसके बाद देखा जा रहा है कि अगर अपना ही स्वार्थ जो है यहाँ पे निकालते रहेंगे तो ये गठबंधन बिल्कुल कमज़ोर पड़ेगा। और इससे पहले जब ये मीटिंग शुरू होने वाली थी तो सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उन्होंने भी कहा था अगर मोदी सरकार के खिलाफ लड़ना है, गठबंधन को एक करना है, तो सबको अपने निजी स्वार्थ छोड़ने होंगे और एक साथ मिशन 2024 को देखना होगा। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।